जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, और ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि आप यकीन नहीं कर पाओगे अपनी आंखों पे कि ऐसा भी होता है हमारे साथ, या ऐसा भी ये कर सकते हैं। हाउस वाइफ का नाम तो सुना ही होगा आपने। जो हाउस वाइफ होती हैं, उनका घर में काम, बेचारी रोटी सब्जी बनाना और अपने बच्चों को देखना। और कुछ वाइफें, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि टिप टॉप होके निकलती हैं, और उनको कोई पता भी नहीं कर सकता कि ये ऐसा भी काम करती हैं। आगे लंबी कहानी सुनाए बिना बोर करे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि एक ऐसी लेडीज़ बिल्कुल टिप टॉप, जीन्स टॉप पहन रखी, पर्स लटका रखा, कोई कह नहीं सकता कि ऐसा भी काम कर सकती है। उस लड़की ने मेट्रो के अंदर, दिल्ली मेट्रो के अंदर से एक बंदे का फ़ोन छीना। गाइस, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप ज़रूर देखें। और ऐसे लोगों से, ख़ास लेडीज़ों से, ऐसी लेडीज़ों से हम यकीन, हमें तो पता चल ही नहीं सकता कि हमारे पास चोर है या कौन है। तो गाइस, मैं तो यही कहूँगा कि अपने फ़ोन, अपने पर्स, अपने तमाम जो सामान आपके साथ रहता है कहीं पर भी, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे मेट्रो में हो, गाइज़ अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, स्वयं अपनी रक्षा खुद करें। गाइस, ज़रा ये वीडियो पे नज़र डालें और इसको देखें, कितने प्यार से इंतज़ार करते करते और उसने फ़ोन खींचा और 1, 2, 3 हो ली। तो गाइस, आपने ये वीडियो देखी, आपको भी यकीन नहीं हुआ होगा, कितनी शरीफ लग रही थी, ऐसा लग रहा था बस चढ़ने वाली है। और जब मैंने वीडियो देखी थी ना, मैं समझ गया था कि कुछ करने वाली है। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और मैं नहीं सलमान भाई भी बोल रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।